हम लोग देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने देखा है कि इसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मटेरियल के कंटेंट इसमें होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में जैसा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस तरह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का? बैक्टीरिया हो गया। इसके अलावा जो है ब्लू ग्रीन अलगा जो है ये एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का। इसके अलावा ये माइकोप्लाज्मा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में आया, और PPLO जो है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में आया। अब ये है कि PPLO है क्या? PPLO को बोलते हैं प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स। तो ये बराबर जो है एग्ज़ाम में आता है ये कि PPLO क्या है, तो PPLO जो है प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये PPLO क्या है। ये PPLO स्टैंड फॉर प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स है। ये अब बता रहा है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि ये जनरली स्मॉलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, ज़्यादा जल्दी से डिवीज़न करते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ बनाते हैं। तो ये स्मॉलर होते हैं। हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होते हैं एंड मोर रैपिडली जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किसके कंपैरिजन में मोर रैपिडली ये डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या साइज छोटा होता है? तो ये यूकैरियोटिक सेल के अपेक्षा जो है ये ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉलर होते हैं। इसके बाद जो है कह रहा है कि दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़। ये जो है इनका शेप एंड साइज जो है वेरी करता है। कह रहा है कि द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के चार बेसिक शेप होते हैं। जो रॉड लाइक होता है उसको बैसिलस कहते हैं, जो स्फेरिकल होता है उसको कोकस कहते हैं, और जो कॉमा टाइप होता है उसको वैब्रियो बोलते हैं, और जो स्पाइरल होता है उसको एस्पिरिलम बोलते हैं, एस्पिरिलम। तो चार तरह के जो हैं ये फोर बेसिक टाइप्स के ये बैक्टीरिया हैं। फोर बेसिक टाइप में हम लोग देख रहे हैं रॉड लाइक है, ये बैसिलस बोलते हैं, स्फेरिकल है इसको हम लोग कोकस बोलते हैं, और कॉमा सेप्ट जो है इसको वैब्रियो बोलते हैं, और स्पाइरल जो होता है उसको एस्पेरुलम बोलते हैं। आगे बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, इवन प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। जनरली जो है सामान्यतः ये सिमिलर होते हैं, लेकिन इसके शेप एंड फंक्शन जो है ये अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यहाँ पे बता रहा है कि प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये सेल वॉल होता है, ये ध्यान में रखना है। और सेल वॉल जो है सराउंडिंग, किसको सराउंड करता है सेल वॉल? तो ये सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, एक्सेप्ट किस में सेल वॉल नहीं होता है? तो ये माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे पूछता है कि सेल वॉल किस में नहीं होता है, तो हम लोग आंसर बोलेंगे कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। आगे बता रहा है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कह रहा है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। कह रहा है कि द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है?
नेकेड होता है, नेकेड होता है, नॉट इन्वॉल्व बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। करेक्ट, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है उसको जीनोमिक डीएनए कहते हैं। जीनोमिक डीएनए कैसा होता है इसका, तो सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, या तो फिर ये सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये जीनोमिक डीएनए जो है, जो डीनोमिक जीनोमिक डीएनए है, उसके अलावा मेनी बैक्टीरियल सेल हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कह रहा है ये आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जहाँ डीनोमिक डीएनए होता है उसके आउटसाइड ये होता है। कह रहा है कि दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, ये जो स्मॉलर डीएनए है इसको प्लाज्मिड कहेंगे। डिटेल में हम लोग क्लास 12 में इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड का क्या क्या रोल है, फंक्शन है। कह रहा है कि द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स कन्फर्स सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, ये जो है सर्टन फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए जिम्मेवार होते हैं। कह रहा है कि वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये जो है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जो है ये इस तरह का करेक्टर है। करेक्ट, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि नहीं, ये प्लाज्मिड के थ्रू पता लगाया जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये हम लोग जान चुके हैं, ये बहुत बेसिक पॉइंट हो चुकी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। करें कि नो ऑर्गेनल्स, कौन कौन सा ऑर्गेनल्स, नो ऑर्गेनल्स लाइक क्या, वन इन यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कोई ऑर्गेनल्स नहीं पाया था एक्सेप्ट किसके थ्रू, एक्सेप्ट कौन सा है, तो राइबोसोम, राइबोसोम जो है ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूशन, जो प्रोकैरियोट्स में कुछ इंक्लूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, वो केवल प्रोकैरियोट्स में ही मिलेंगे, यूकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे। कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड, कह रहा है यहाँ पे कि स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कह रहा है यहाँ पे कि ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम्स, क्या कहते हैं, मीजोसोम, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं, क्या चीज़ के डिफरेंशिएटेड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशिएट करके बनाता है मीजोसोम, ये बनाता है, इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये मीजोसोम्स जो हैं ये क्या है, करैक्टरिस्टिक है, किसके करैक्टरिस्टिक है, तो प्रोकैरियोट्स के ये करैक्टरिस्टिक हैं। आगे बता रहा है कि दे आर इसेंशियल, ये मीजोसोम के बारे में बता रहा है कि दे आर इसेंशियली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये मीजोसोम क्या होते हैं, ये इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो मीजोसोम क्या होते हैं क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग लिखेंगे इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ हम लोग एक बार डायग्राम में कंपेयर कर लेते हैं, ये बैक्टीरियल सेल है, अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो जनरली इसकी लंबाई चौड़ाई है 10 से 20 माइक्रोमीटर ये होती है। टिपिकल बैक्टीरिया सेल जो होते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर ये होते हैं, PPLO है ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है, वायरस जो होते हैं
ये 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर होते हैं। तो सबसे बड़ा जो है यूकैरियोटिक सेल हैं, फिर ये बैक्टीरिया है, फिर PPLO हैं, और सबसे छोटा जो है ये वायरस हैं। तो एक बार प्रोकैरियोटिक सेल की कमांड आ जाएगी तो फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में डिफरेंस हम लोग जान पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन।